एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज इस वीकली रीडिंग में हम एरीज यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए देखेंगे कि ये जो वीक है उनके लिए कैसा रहेगा, कौन कौन सी एनर्जीज उनके सराउंडिंग में रहेंगी और जो भी एडवाइस होगी आप लोग के लिए वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो शफल कर लेते हैं कार्ड। एरीज, मेष राशि, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। आप लोग की तो स्टार्टिंग ही किंग ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। सो ये वीक ना आप लोग काफी, मैं ऐसे कहूंगी कि आप लोग अपनी पावर में रहेंगे। इट मींस कि आप लोग क्लियर होंगे आपके जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं लाइफ में, आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। अगर अभी तक भी ऐसा चलता आ रहा है ना कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है आप लोग की लाइफ में, तो मैं वो क्लैरिटी आती हुई देख रही हूँ। यहाँ पे मुझे ना द सन कार्ड वाली जो ऊर्जा होती है मुझे वो यहाँ पे फील हो रही है कि जस्ट एक स्टेबिलिटी आना आप लोग के लाइफ में। स्टेबिलिटी में यहाँ पे आपके डिसीजंस में आते हुए देख रही हूँ कि अब आप फाइनली डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। बहुत कुछ आपको डिसाइड करते हुए देख रही हूँ और ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ डिसाइड करा तो जस्ट आप उससे पलट जाएंगे या फिर कोई आपको आके अगर इन्फ्लुएंस करेगा तो आप इन्फ्लुएंस होकर अपना डिसीजन को चेंज कर लेंगे। नहीं, आप लोग एकदम स्टेबल डिसीजन लेने वाले हो, एकदम फर्म होके कि अब आपको चेंज नहीं करना है। अब आपने अपनी इंटेंशन सेट कर ली है, अपने गोल सेट कर ली हैं और आगे आपको उन्हीं के लिए मेहनत करनी है, आगे आपको उन्हीं के लिए काम करना है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकता है कि अगर कन्फ्यूज चल रहे थे काफ़ी, हो सकता है कि वो किसी को लेके किसी पर्सन को लेके कन्फ्यूज चल रहे हों अगर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वहाँ भी मैं उनका वो कन्फ्यूज़न ना क्लियर होते हुए देख रही हूँ। मैंने कहा ना मुझे यहाँ पे द सन कार्ड की एनर्जीज आ रही हैं। मैं देखती हूँ और आप लोग के लिए क्या है एरीज। ये किंग का ना मुझे फेस बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कोई बहुत कॉन्फिडेंट है, अब किसी में कॉन्फिडेंस आ गया है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज की वजह से हो सकता है वो आप में, तो आप लोग बहुत खुद को एकदम पावर में फील करने वाले हो। टेम्परेंस, ये वीक आप लोग के लिए बहुत पावरफुल रहेगा। मैंने कहा ना बैलेंस आएगा, आप लोग डिसीजन ले पाओगे आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। यहाँ पे मैं आपके थर्ड आई चक्रा का इम्पैक्ट देख रही हूँ आपके ऊपर कि आपकी इंट्यूशंस ही आपको गाइड करेंगी आगे के वे के लिए, आगे की डायरेक्शन के लिए। आप अपनी इंट्यूशंस को सुन पाओगे, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं। बैलेंस एक जो रहता है लाइफ में, आप लोग बैलेंस पे काम कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आप बैलेंस ला पाओ, वो भी आप ला पाओगे। यहाँ पे ना अपने मन का आप सुकून जो आप ढूंढ रहे हो कि आपको मिल जाए, वो सुकून के लिए मैं आपको आगे बढ़ते हुए देख रही हूँ। देखो मैं बिल्कुल आपको ऐसे नहीं कह रही हूँ कि हाँ इसी वीक आपको सुकून मिल जाएगा, इसी वीक आप लोग आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं ना मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। तो डेस्परेट नहीं होना किसी भी चीज़ के लिए कि उन्होंने कह दिया कि इस वीक हमारा ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये एनर्जीज कह रही हैं कि आप इन पे काम करेंगे तो ये आपका धीरे धीरे आप खुद को इम्प्रूव कर पाएंगे, खुद को बेटर कर पाएंगे। यहाँ पे किसी को बहुत शांत होते हुए देख रही हूँ। ये वीक ना आपके बोलने में भी आप बहुत सॉफ्ट रहेंगे लोगों के साथ। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत जल्दी गुस्सा कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप चीज़ों के साथ ना बैलेंस बनाना बहुत अच्छे से सीख रहे हो, जैसे आपको समझ में आ गया है कहाँ आपको आपकी एनर्जीज को यूज़ करना है। यहाँ पे ना मैं विजडम वाला जो इन्फिनिटी वाला जो सिंबल रहता है वो, उसकी भी मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जीज मिल रही हैं। किसी का विजडम आ रही है, जैसे एनलाइटमेंट होता है ना, तो आपको आपके ट्रू पर्पस के लिए आपको वो आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट आ रही है, आ रही है। किंग ऑफ कप्स, यहाँ मैं बताऊँ आप लोग के लिए वीक बहुत इंटेंस रहने वाला है गाइस, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे मैं कुछ लोगों को दो पर्संस के बीच में भी देख रही हूँ। मैंने कहा ना कि आप लोग अभी तक कंफ्यूज चल रहे थे, किसी को लेके डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ पे वो एनर्जीज अगेन आई हैं। दो लोग हो सकते हैं आप लोग की लाइफ में, कि दो लोग भी हो सकते हैं
और ये दो सिचुएशन भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए कि एक जैसे कि आपको जॉब करनी पड़ रही है, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि एक आपको जॉब करनी पड़ रही है ताकि आप फाइनेंशियली खुद को स्ट्रांग रख सकें, और एक चीज़ आप साइड में कर रहे हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है आपको करने में। और सेम यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग जो इसको चूज़ करें, पता नहीं मुझे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं जिनकी या तो शादी फिक्स हो गई हो या फिर उनका फियांसे या फिर शादी हो भी गई हो, एंड वो लोग पता नहीं, मैं ऐसे कहना नहीं चाहती बट मुझे मिल रही हैं वाइब्स, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हो सकता है सबके लिए नहीं है ये, हो सकता है कि शादी हो गई हो और वो किसी और पर्सन को लाइक करते हो, तो यहाँ पे एक वो वाली चीज़ आना कि क्या कर सही और गलत है ना, कुछ मुझे ऐसे आप लोग लग रहे हो सिचुएशन में, पता नहीं क्यों मैं देखती हूँ। और टू ऑफ वांड्स, आपको कुछ नया क्रिएटिव सोचने की ज़रूरत है और आप लोग डिसाइड कर पाओगे, आप लोग डिसीज़न ले रहे हो और आप लोग उस डिसीज़न पे रिग्रेट भी नहीं करोगे। मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे लव रिलेटेड बहुत कुछ होने वाला है इस वीक। आप लोग डिसाइड करने वाले हो कि आपको कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ आपको खुशी मिलती है, और यही इस वीक की एनर्जीज हैं बहुत स्ट्रांगली। मैंने कहा ना, मैं अभी भी कह रही हूँ बहुत इंटेंस रहने वाला है ये वीक, बट अच्छी बात मुझे यहाँ पर ये लग रही है कि आप स्टिल बैलेंस बना रहे हो आप लोग की लाइफ में, आप सिचुएशन के मोहताज नहीं हो रहे हो कि आप सिचुएशंस को कंट्रोल करने दे रहे हो, आपको आप उन्हें ही कंट्रोल करना चाह रहे हो, जस्ट अपनी स्ट्रांग पोजिशन में हो, बहुत अच्छी बात है ये। और दूर की सोच के चलना चाहते हो आप, है ना, दूर की सोच के चलना, मुझे वही वर्ड सुनाई दे रहा है, सो यही आपके लिए अच्छा रहेगा। और मैं देखती हूँ आप लोग इनडिसीजन, मैंने कहा आप पास्ट में डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, आप इन एनर्जीज में थे, तो उसी का कार्ड आ रहा है। ये वीक आप डेफिनेटली कोई ना कोई एक स्ट्रांग डिसीजन पे तो पहुंच जाओगे। देन नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज सिक्स चक्र, मैंने अभी कहा ना आप लोगों से कि आप लोग अपनी इंट्यूशंस को स्ट्रांग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे थर्ड आई चक्र दिख रहा था और यहाँ भी मुझे थर्ड आई चक्र दिख रहा था, तो डेफिनेटली आप लोग इस चक्र पे वर्क करने वाले हो, ये चक्र पे आप लोग और मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ओम के साउंड के साथ आप मेडिटेशन करिए, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ना आपके विजडम, आप लोग विजडम आपके अंदर जाग पाएगी, आप लोग डिसीजन ले पाओगे सही आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सो इस चक्र पे आप लोग काम करिए। ओके, एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं इस डेक से आप लोग के लिए, क्योंकि बहुत इंटेंस रहने वाला है इसलिए सेवेंथ चक्र, तो हो सकता है आप ऑलरेडी काफ़ी मेडिटेशन करते हुए आ रहे हो, यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप लोग अपने दिल की और सुने। सेवेंथ चक्र, ये चक्र हमें डायरेक्ट यूनिवर्स से कनेक्शन को बताता है, हो सकता है आपको बहुत सारे साइंस भी मिलें, एंजल नंबर, रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखते रहें, और आपको सुननी है बस, ठीक है। बस मैं ये कहूँगी कि आप जो भी डिसीजन लें, काफ़ी सोच समझ के आप ले ही रहे हैं ऑलरेडी, बट जस्टिस का भी ख्याल रखें। यहाँ पे मुझे जस्टिस एकदम कार्ड दिखा तो मैं उसका बोल रही हूँ, क्योंकि कर्मा भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अबंडेंस, आप लोग की लाइफ में अबंडेंस आने वाली है गाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोग बढ़ रहे हो, आप लोग फाइनली एक रास्ता चूज कर रहे हो और उसकी तरफ बढ़ रहे हो, और पीछे आरती भी हो रही है, फॉरगिवनेस, यहाँ पे किसी को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है और माफ़ कर देने की भी ज़रूरत है। अगर आप पास्ट के कुछ लोगों को नहीं कर पा रहे हो, इमोशनल हो बहुत ज़्यादा, तो आपको माफ़ कर देने की ज़रूरत है यहाँ पे, यही मैं आप लोगों से कहूँगी। और इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करती हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी हो, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।